another C program based on string operations. Just previous videos में मैंने complete किया था searching first occurrence of word और searching last occurrence. लेकिन इस case में just count किया करना counting all occurrences of a substring or words. For example, इस case में आपने just original string use किया like that. Some function as count. इस case में just मैं function name implement करूँगा count occurrences. इस केस में सबसे पहले पास करेंगे ओरिजिनल स्ट्रिंग. अगर मैं इस केस में ओरिजिनल स्ट्रिंग सप्लाई करता हूं एज एप्पल पीपल्स इन दैट केस दिस इज द ओरिजिनल स्ट्रिंग. इस ओरिजिनल स्ट्रिंग में मुझे काउंट क्या करना है ऑक्रेंस ऑफ स्ट्रिंग पी एल ई. इस केस में पी एल ई क्या है सब स्ट्रिंग. अगर पी एल ई के रिस्पेक्ट में बात करें पी एल ई के जस्ट टोटल ऑक्रेंसेस कितने हैं वन एंड टू. तो फाइनली इस करेस्पॉन्डिंग फंक्शन का रिटर्न बिहेवियर और रिजल्ट क्या आना चाहिए जस्ट एच टू. क्योंकि पी एल ई का ऑक्रेंस कितनी बार काउंट हो रहा है टू टाइम्स. देन अगर पी एल ई एक ही बार फाउंड नहीं हो रहा है इस केस में रिटर्न क्या करा हुए जस्ट जीरो. तो इस केस में जस्ट आपको अगेन प्रीवियस टाइप्स के ही ऑपरेशंस परफॉर्म कराना है. मीन्स इस केस में ऑलमोस्ट लॉजिक किस केस में सिमिलर टू लास्ट ऑक्रेंस. क्योंकि लास्ट ऑक्रेंस के केस में मैंने इस ओरिजिनल स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स वन बाई वन सारे के सारे कैरेक्टर स्टार्टिंग टू एंड अप टू नल मैच किससे कराए थे सब स्ट्रिंग से. सब स्ट्रिंग के केस में जितनी बार भी इसका इसमें से जितनी बार भी इस केस में आप नल को टारगेट कर रहे थे नल को रीच कर रहे थे नल के रिस्पेक्ट में एवरी टाइम इंडेक्स में न्यू इंडेक्स अपडेट किया था. लेकिन यहाँ इंडेक्स मैनेज ना करके एवरी टाइम परफॉर्म किया करा हुए इंक्रीमेंट इन काउंटर. मैं आपको इस केस में जस्ट सजेस्ट करूंगा इस वीडियोज को वॉच करने से जस्ट पहले आपको वॉच करना होगा जस्ट प्रीवियस वीडियो वेयर वी आर डिस्कसिंग सर्चिंग फर्स्ट ऑक्रेंस और सर्चिंग लास्ट ऑक्रेंस. अगर आप प्रीवियस वीडियो वॉच कर चुके देन इसके लिए लॉजिक्स आपके लिए डायरेक्टली इंप्लीमेंट करना पॉसिबल है. इसमें जीरो से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है. अदरवाइज मुझे जीरो से एक्सप्लेन करना पड़ेगा. तो फिर मैं इसको जस्ट स्टार्टिंग से एक्सप्लेन कर रहा हूँ फॉर फर्स्ट केस. इस केस में जस्ट आपके पास टू स्ट्रिंग्स हैं इन दैट फंक्शन. तो इस फंक्शन के रिस्पेक्ट में जस्ट रिटर्न क्या कराना है काउंटिंग. तो काउंटिंग के अकॉर्डिंग रिटर्न टाइप यूज करेंगे इंटीजर टाइप. वी आर यूजिंग फंक्शन नेम एज काउंट. काउंट के केस में टोटल इनपुट्स कितने रिक्वायर्ड होंगे टू स्ट्रिंग कैर स्टार ए कॉमा कैर स्टार बी. देयर आर टू स्ट्रिंग टू डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रिंग्स को मैनेज करने के लिए टू इटरेटिव वेरिएबल्स यूज करेंगे आई कॉमा जे एंड एक्स्ट्रा वेरिएबल एज काउंट. इनिशियली काउंट वैल्यू का इस केस में जीरो. जस्ट प्रीवियस केस में एक्स्ट्रा वेरिएबल यूज किया था इंडेक्स. इस केस में इंडेक्स के प्लेस पर एक्स्ट्रा वेरिएबल क्या है जस्ट काउंट. अब परफॉर्म क्या करा हुए जो भी फर्स्ट स्ट्रिंग है फर्स्ट स्ट्रिंग के सपोज फर्स्ट स्ट्रिंग का पॉइंटर कौन है ए और सेकंड स्ट्रिंग का पॉइंटर कौन रिप्रेजेंट कर रहा है इस केस में बी. इस फर्स्ट स्ट्रिंग का एड्रेस किसके पास होगा समथिंग ए. सेकंड स्ट्रिंग का एड्रेस किसके पास है बी के पास. नेक्स्ट में इसके सारे के सारे एलिमेंट मैनेज करेंगे यूजिंग आई और सेकंड एलिमेंट सेकंड एरे के एलिमेंट मैनेज करें द फॉर्म ऑफ जे. मीन्स फाइनली इस केस में टू वेरिएबल्स यूज करेंगे आई जे एंड काउंटर. मीन्स थ्री वेरिएबल्स. नेक्स्ट वन सबसे पहले फर्स्ट रिक्वायर्ड केस क्या रहेगा इस फर्स्ट मीन्स ओरिजिनल स्ट्रिंग के ऑल एलिमेंट्स वन बाय वन स्टार्टिंग टू एंड तक आपको विजिट करने की नीड है. प्लस इस केस में आई का इनिशियलाइजेशन किससे करा होगा जीरो से. जे का भी इनिशियलाइजेशन किससे होगा जीरो से और सी का इनिशियलाइजेशन किससे होगा ऑल्सो जीरो. सी मीन्स काउंटिंग इस बाई डिफॉल्ट काउंटिंग में कंसिडर करूंगा. हो सकता है टारगेट स्ट्रिंग और सब स्ट्रिंग एक बार भी अपीयर नहीं होगा इस केस में काउंटर क्या होगा जीरो. देन फॉर लूप आई इक्वल्स टू एंड जे इक्वल्स टू जीरो. प्लस ये लूप आपको कब तक एग्जीक्यूट कराना जब तक जेथ इंडेक्स नल को रिप्रेजेंट नहीं करता है. मीन्स ए ऑफ जे नॉट इक्वल्स टू सॉरी ए ऑफ आई नॉट इक्वल्स टू नल एंड आई प्लस प्लस सेम एज प्रीवियस केस नथिंग न्यू. नेक्स्ट टाइम अब इस केस में परफॉर्म क्या कराएंगे फर्स्ट टाइम आई किसको रिप्रेजेंट करेगा जीरो इंडेक्स को. तो जीरो इंडेक्स वाले एलिमेंट को मैच किससे करेंगे सब स्ट्रिंग के फर्स्ट कैरेक्टर से. मीन्स इस केस में टू पॉसिबल केस होंगे या तो ओरिजिनल स्ट्रिंग का फर्स्ट कैरेक्टर सब स्ट्रिंग के फर्स्ट कैरेक्टर से मैच होगा या नहीं होगा. इस केस में मैच नहीं हो रहा मीन सर्चिंग फॉल्स. और मैच नहीं हो रहा देन नेक्स्ट कैरेक्टर अगेन किससे मैच करा हुआ फर्स्ट से या नेक्स्ट से अगेन फर्स्ट. मीन्स ओरिजिनल स्ट्रिंग के कंटेंट्स लेफ्ट टू राइट सब स्ट्रिंग के फर्स्ट कैरेक्टर से तब तक मैच कराएं जब तक कोई सक्सेस मैचिंग फाउंड नहीं होता है. इस केस में अगेन पी मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है इस केस में पी मैच हो रहा है. पी मैच हो रहा मीन्स जब मैच नहीं हो रहा था देन एवरी टाइम फर्स्ट जीरो इंडेक्स से मैच कराया. लेकिन जैसे ही मैचिंग फाउंड हुआ इमीडिएटली नेक्स्ट कैरेक्टर मीन्स अगेन क्या है पी. तो नेक्स्ट कैरेक्टर किस प्लेस से मैच करा हुआ सेम एलिमेंट और नेक्स्ट एलिमेंट नेक्स्ट एलिमेंट नेक्स्ट एलिमेंट मीन्स इस केस में बी के इंडेक्स को मैनेज करेंगे जे के थ्रू और आई के इंडेक्स को मैनेज करेंगे
ए के इंडेक्स को मैनेज करें जस्ट आई के थ्रू। तो इस केस में जस्ट परफॉर्म क्या कराएं, सबसे पहले ए ऑफ आई मैनेज किससे मैच किससे हुआ, बी ऑफ जीरो, बी ऑफ जीरो किसमें, जे में। तो इस केस में जस्ट कंडीशन अप्लाई करें इफ ए ऑफ आई इक्वल इक्वल टू बी ऑफ जे, जे का इनिशियल वैल्यू क्या है जीरो, तो फर्स्ट टाइम आई का वैल्यू क्या रहेगा जीरो, नेक्स्ट टाइम आई वैल्यू क्या हुआ था वन, नेक्स्ट टाइम टू, लाइक दैट जीरो देन नेक्स्ट वन वन, वन के केस में भी मीन्स इस केस में जीरो के केस में भी जे का वैल्यू क्या था जीरो, और आई का वैल्यू जब वन हो गया नेक्स्ट टाइम, वन के केस में पी को रिप्रेजेंट कर रहा है, देन तब भी जे का वैल्यू क्या है ऑल्सो जीरो, देन लेकिन नेक्स्ट टाइम जैसे ही आई का वैल्यू टू हुआ मीन सेकेंड इंडेक्स के केस में, सेकेंड इंडेक्स वाला एलिमेंट जीरो से मैच हुआ है वन से, वन से, तो इस केस में जे को इंक्रीज करने की नीड हुई। इस केस में जे में कब इंक्रीमेंट हुआ, जब वो प्रीवियस ऑकरेंस मैच हो रहा है, प्रीवियस ऑकरेंस मीन्स दैट वन, अगर ये मैचिंग सक्सेसफुल फाउंड होता है तो इस केस में परफॉर्म क्या कराएं, इंक्रीमेंट इन जे, क्योंकि इस केस में अगर प्रीवियस करेंट कैरेक्टर बी के जीरो थे एलिमेंट से मैच होता देन नेक्स्ट टाइम कंपेरिजन किससे हुआ, नेक्स्ट एलिमेंट का बी एरे के नेक्स्ट एलिमेंट से कंपेरिजन परफॉर्म करें, और नेक्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स किससे मैनेज करो जे से, इसलिए परफॉर्म क्या कराया जे प्लस प्लस। इस केस में जे का वैल्यू क्या हो चुका हुआ वन और आई का वैल्यू क्या है टू, देन नेक्स्ट टाइम मैच कराया देने मैच के साथ ट्रू और फॉल्स, पी इक्वल इक्वल एल मीन्स फॉल्स, जैसे कोई मैचिंग फॉल्स होता देन अगेन फॉल्स होने के केस में अगेन सेम एलिमेंट फिर से मैच किससे कराओगे बिगिनिंग एलिमेंट से, क्लियर, मीन्स पहले किससे पी पहले किससे सेकेंड इंडेक्स पहले किससे मैच हुए वन से, वन से मैच ना होने पर या नेक्स्ट एलिमेंट से मैच ना होने पर अगेन ये फिर से किससे मैच करा हुए बिगिनिंग से, क्योंकि हो सकता है अगर आप पी नेक्स्ट टाइम एल को नेक्स्ट से मैच कराओ तो मैचिंग पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि देखा जाए तो पी फर्स्ट एलिमेंट से मैच हो रहा है, एल सेकेंड से मैच हो रहा है, ई थर्ड से मैच हो रहा है, तो अगेन बिगिनिंग से स्टार्ट करेंगे, तो बिगिनिंग से स्टार्ट करने के केस में इस प्लेस पर जस्ट कंडीशन क्या राइट डाउन करेंगे, नेक्स्ट कंडीशन एल सेफ, अगर फर्स्ट कंडीशन फॉल्स है, फर्स्ट कंडीशन फॉल्स मीन्स क्या, अगर ए ऑफ आई नेक्स्ट एलिमेंट से मैच नहीं हो रहा देन मैच किससे कराएंगे बिगिनिंग एलिमेंट, और बिगिनिंग एलिमेंट का इंडेक्स फिक्स है, नेक्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स किससे रिप्रेजेंट हो रहा है जे से, और बिगिनिंग एलिमेंट से इसलिए मैंने राइट डाउन क्या किया था जे, बिगिनिंग एलिमेंट का इंडेक्स फिक्स्ड है ऑलवेज जीरो, इसलिए यूज क्या करें इस प्लेस पर एल सेफ ए ऑफ आई, ए ऑफ आई मीन्स क्या सेम एलिमेंट मीन्स फर्स्ट टाइम ए ऑफ आई क्या था टू, इन दैट केस अभी भी ए ऑफ आई क्या है ऑल्सो ए ऑफ टू, ए ऑफ टू अगर बी ऑफ जीरो के इक्वल है देन अगर ये फर्स्ट एलिमेंट से मैच होता है देन अगेन इस केस में रिक्वायर्ड क्या हुआ मीन्स फर्स्ट एलिमेंट मैच कर चुका, अब नेक्स्ट टाइम किससे मैच करा वन से, देन अगेन मीन्स वन से मैच कराना तो फिर से जे के केस में एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है वन, तो इसलिए इस कंडीशन के ट्रू होने पर जे में क्या जान करा देंगे जस्ट एग्जैक्टली वन, मीन्स एग्जैक्टली प्रीवियस लॉजिक इसमें कुछ भी नया नहीं है, देन जे इक्वल्स टू वन, देन नेक्स्ट टाइम जे का वैल्यू वन होने पर मीन्स एग्जिस्टिंग वैल्यू भी वन था, नी वैल्यू भी क्या है वन, इसके जस्ट बाद क्या हुआ आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस से आई का वैल्यू क्या हो जाएगा जस्ट थ्री, नेक्स्ट टाइम थर्ड इंडेक्स मैनेज किससे होगा, थर्ड इंडेक्स को मैच किससे करा मीन्स पी ऑलरेडी फर्स्ट से मैच हो चुका है देन ये एल फर्स्ट एलिमेंट से मैच कराएंगे नेक्स्ट एलिमेंट से, नेक्स्ट एलिमेंट से, इसलिए जे का वैल्यू क्या वन, देन ऑलरेडी जे का वैल्यू क्या वन और मैच भी किस हो रहा है थ्री एंड वन, आई में क्या है थ्री और जे में क्या है वन, तो अगेन ये मैचिंग कैसा वैलिड, तो फिर से जे प्लस प्लस हो जाएगा देन अगेन ये मैचिंग कैसा वैलिड, वैलिड है देन प्रथम क्या होगा जे प्लस प्लस, जे की वैल्यू क्या हो जाएगी टू, जे का वैल्यू टू होने पर अगेन परफॉर्म क्या होगा आई प्लस प्लस, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी जस्ट फोर, आई का वैल्यू फोर होने पर नेक्स्ट टाइम फोर्थ इंडेक्स का एलिमेंट किस इंडेक्स में मैच कराएंगे फोर और सेकंड इंडेक्स का कंपेरिजन होगा, फोर्थ इंडेक्स में क्या है ई और सेकंड इंडेक्स में क्या है ऑल्सो ई, तो अगेन कंडीशन टू, तो फिर से जे प्लस प्लस होगा तो जे की वैल्यू क्या हो जाएगी जस्ट थ्री, और आई में देन जे की वैल्यू थ्री होने के बाद देन फिर से कंट्रोल कहाँ जाएगा नेक्स्ट टाइम, अब देखा जाए तो थ्री किसको रिप्रेजेंट करा जस्ट थर्ड इंडेक्स किसका है नल का, तो मीन्स इसका मतलब क्या है अगर जे नल के इंडेक्स को होल्ड कर रहा है इसका मतलब प्रीवियस सारे के सारे कंटेंट सक्सेसफुली मैच हुए हैं, इसे एक बार ये पैटर्न कंप्लीटली मैच हो चुका है, कंप्लीटली मैच होने का एक्नॉलेजमेंट कौन दे रहा है जैसे बी ऑफ जे, बी ऑफ जे का बी जे का वैल्यू क्या थ्री और बी ऑफ जे में क्या है नल, अगर ये बी ऑफ जे नल के इक्वल हो चुका है इसका मतलब क्या है सक्सेस इज फाउंड, तो इस केस में आप जस्ट कंडीशन क्या लगा हुए इफ बी ऑफ जे इक्वल इक्वल नल, मीन से आपको जस्ट एक्नॉलेजमेंट किसका प्रोवाइड करेगा ये कंडीशन, जैसे ये कंडीशन ट्रू होता है इसका मतलब कहीं ना कहीं इस बी ऑफ जे के सामी से अगर बी ऑफ जे नल के इक्वल है देन प्रीवियस सारे कंटेंट्स कैसे हैं सक्सेसफुली मैच हुए, सक्सेसफुली मैच होने के इसमें आपको जस्ट परफॉर्म क्या कराना है
जस्ट इंक्रीमेंट इन काउंटर, मीन्स फर्स्ट टाइम मैच हुआ है देन फर्स्ट टाइम इंक्रीमेंट होगा तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी प्लस प्लस, सी की वैल्यू क्या हो जाएगी वन। सेम एज जब नेक्स्ट टाइम फिर से सेकेंड पैटर्न मैच होगा पी एल ई का, देन सेकेंड पैटर्न के रिस्पेक्ट में अगेन ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा और नेक्स्ट टाइम फिर से कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो फिर से सी में प्लस प्लस होगा तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी टू, लाइक दैट। क्लियर मीन्स दिस इज द फॉर लूप। वन मोर थिंग्स, इस प्लेस पर एक बार आप लास्ट कंडीशन में पहुंच चुके, मीन्स अभी जे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है थ्री को, थ्री के बाद नेक्स्ट टाइम, और थ्री के बाद तो कोई एलिमेंट है नहीं तो नेक्स्ट टाइम अगेन फिर से मैचिंग किस प्लेस से स्टार्ट करोगे, इस केस में ई भी मैच हो चुका है, इसके अकॉर्डिंग वैल्यू क्या है फोर और जे का वैल्यू क्या है थ्री, मीन्स ई भी मैच हो चुका है इसके जस्ट बाद। वन मोर थिंग, जे को अगेन रीसेट किससे कराएंगे, जे इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि नेक्स्ट टाइम कंपेरिजन किससे कराओगे जीरोथ इंडेक्स। वन मोर थिंग्स, इस केस में एफ और एल्स दोनों ही कंडीशन फॉल्स हैं, इसका मतलब क्या कोई भी मैचिंग फाउंड नहीं हो रहा है, अगर इस केस में कोई भी करस्पॉन्डिंग मैचिंग फाउंड नहीं तो देन एवरी टाइम मैच कैसे कराएंगे बिगिनिंग एलिमेंट्स, और बिगिनिंग एलिमेंट का इंडेक्स क्या है जीरो, तो एल्स पार्ट में जस्ट परफॉर्म क्या कराएंगे एल्स जे इक्वल्स टू जीरो। अगर वैसे दोनों ही कंडीशन एफ एल्स कंडीशन फॉल्स हैं तो जे का रीसेट वैल्यू क्या हो जाएगा जस्ट जीरो। देन क्लोजिंग दिस लूप, देन जब कंट्रोल लूप से बाहर आएगा देन फाइनली इस फंक्शन से आप रिटर्न क्या कराओगे रिटर्न वैल्यू ऑफ काउंटर एच सी। देन इस मीन्स फाइनली इस लॉजिक्स के थ्रू किसी भी स्ट्रिंग के ऑल ऑकरेंसेस सर्च करना पॉसिबल है। मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ, जैसे ही कंडीशन फर्स्ट टाइम फॉल्स हुआ कंपेरिजन किस में हो रहा है फोर, सॉरी इस केस में जस्ट एक कंडीशन ट्रू हुआ था इसलिए जे का वैल्यू क्या हो चुका था थ्री और आई का वैल्यू करेंटली क्या है, जस्ट मैं इसको इस प्लेस से कंटिन्यू, आई का वैल्यू क्या है जस्ट फोर और जे का वैल्यू इंक्रीमेंट के अकॉर्डिंग क्या हो चुका थ्री अकॉर्डिंग टू जे प्लस प्लस। नेक्स्ट टाइम इफ कंडीशन को चांस मिला बी ऑफ थ्री इक्वल इक्वल जीरो कंडीशन कम ट्रू टू देन सी प्लस प्लस हुआ तो सी का वैल्यू क्या हो चुका है वन, देन जे का वैल्यू अगेन क्या आसान हो गया जीरो। मीन्स यहाँ तक मैच होने के बाद नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट एलिमेंट ए ऑफ आई का नेक्स्ट एलिमेंट फिर से बिगिनिंग एलिमेंट से मैच करना स्टार्ट करें। क्लियर, इसलिए जे का रीसेट वैल्यू क्या रीसेट किया जाए जीरो, मीन्स बिगिनिंग एलिमेंट रिप्रेजेंट करने के लिए जे के अंदर इंडेक्स वैल्यू क्या है जीरो। नेक्स्ट टाइम परफॉर्म क्या हुआ आई प्लस प्लस और आई प्लस प्लस के केस में आई का वैल्यू क्या हो जाएगा फाइव, मीन्स नेक्स्ट इंडेक्स को रिप्रेजेंट करेगा, नेक्स्ट इंडेक्स में अगेन क्या पी और पी किससे मैच होगा जीरोथ इंडेक्स। कंडीशन चेक होगा आई का वैल्यू क्या जस्ट फाइव जे का वैल्यू क्या है जीरो, तो फिफ्थ इंडेक्स का एलिमेंट जीरो से मैच कराएंगे तो मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा, सक्सेसफुली मैच हो रहा है इसलिए जे प्लस प्लस होगा तो जे की वैल्यू क्या हो जाएगी जस्ट वन। जे प्लस प्लस होने के जस्ट बाद इस मैचिंग किसका हुआ था जस्ट ये प्रीवियस मैचिंग को मैं जस्ट रिमूव कर रहा हूँ इस प्लेस पर, मीन्स नेक्स्ट टाइम ये पी किससे मैच हुआ फर्स्ट एलिमेंट से, सक्सेस क्या मैचिंग कैसा है सक्सेस, सक्सेस है देन नेक्स्ट टाइम जे प्लस प्लस हो चुका तो जे की वैल्यू क्या है देन मीन्स करेंट मैचिंग फाउंड हो रहा है देन नेक्स्ट एलिमेंट से मैच करा हुआ, इस ई किससे मैच होगा एल से, ई का इंडेक्स एक्स है और एल का इंडेक्स क्या है वन, तो एल के केस में जस्ट जे इंक्रीमेंट होने के बाद एल का वैल्यू जे का वैल्यू क्या हो चुका है जस्ट वन। इसके जस्ट वास कंडीशन कैसा फॉल्स, मीन्स बी ऑफ वन इक्वल इक्वल नल फॉल्स, फॉल्स है देन अगेन आई प्लस प्लस होगा तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी इस केस में सिक्स, आई सिक्स एलिमेंट को रिप्रेजेंट करे, मीन्स प्रीवियस सक्सेस ट्रू इसलिए ई फर्स्ट एलिमेंट से मैच ना करा कि मैच किससे हुआ नेक्स्ट से, चेक कर सकते मीन्स सिक्स तो और वन इंडेक्स का कंपेरिजन हो सिक्स एंड वन, सिक्स इंडेक्स में ई और वन इंडेक्स में क्या एल, मीन्स ये कंपेरिजन ट्रू या फॉल्स है फॉल्स, फॉल्स है देन एल शिफ्ट टेस्ट होगा, मीन्स अगर एक एलिमेंट नेक्स्ट एलिमेंट से मैच नहीं हो रहा देन मैच किससे करा हुआ अगेन बिगिनिंग, अगेन मीन्स ई इटसेल्फ किससे मैच होगा अगेन फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट से मैच करा ये तो फर्स्ट का इंडेक्स गया जीरो तो इसलिए सेकेंड केस में ए ऑफ आई मीन्स आई का वैल्यू सिक्स, ए ऑफ सिक्स कंपेयर किससे हो रहा बी ऑफ जीरो से, तो ए ऑफ सिक्स में क्या ई और बी ऑफ जीरो में क्या पी, मीन्स कंडीशन इज अगेन फॉल्स, फॉल्स है देन एल्स के अकॉर्डिंग जे का वैल्यू क्या आसान हो जाएगा फिर से जीरो, क्यों नेक्स्ट टाइम सारे के सारे कंपेरिजन जीरो से स्टार्ट करना अगेन। क्लियर, देन अगेन दैट कंडीशन टेस्ट, मीन्स ये कंडीशन फॉल्स होगा क्योंकि अभी जे नल को रिप्रेजेंट कर रहा है क्या नहीं, जे नल को कब रेफर करेगा जब जे का वैल्यू थ्री हो जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट टाइम आई प्लस प्लस होगा तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी अगेन सेवन, नेक्स्ट वन सेवन होने के बाद अगेन ये इफ कंडीशन कैसा है ट्रू और फॉल्स, फॉल्स क्योंकि सेवन्थ इंडेक्स में क्या है ओ और जीरो इंडेक्स में क्या है पी, कंडीशन फॉल्स, देन अगेन कंपेरिजन हो गया दोनों ही कंपेरिजन सेम है क्योंकि जे का वैल्यू भी क्या जीरो था इस प्लेस पर भी क्या जीरो, दोनों कंडीशन फॉल्स होने के अगेन एल्स के अकॉर्डिंग जे में फिर से क्या आसान हो जाएगा जीरो, देन आई प्लस प्लस होगा तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी एट दैट प्लेस। नेक्स्ट टाइम ये एलिमेंट अगेन किससे मैच होगा फर्स्ट से,
जे का वैल्यू करेंटली क्या है, जीरो, तो स्पेस पर आई का वैल्यू रिप्लेस करेंगे एट एंड जीरो। एट इंडेक्स में क्या है पी, और जीरो इंडेक्स में क्या है ऑल्सो पी। दिस कंडीशन कम टू ट्रू है, देन जे में इंक्रीमेंट होगा। जे में इंक्रीमेंट होने की वजह से जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, जस्ट वन। जे का वैल्यू वन होने के जस्ट बाद नेक्स्ट टाइम कंपेरिजन होगा, कंपेरिजन अभी तक कैसा है फॉल्स। देन फिर से आई प्लस प्लस होगा, तो आई की वैल्यू क्या होगी इस केस में नाइन। नाइन के केस में से कंपेरिजन कैसा था सक्सेस, इन इस केस में कैसा था फॉल्स, इस केस में कैसा सक्सेस, इस केस में सक्सेस। देन नेक्स्ट एल, नेक्स्ट एलिमेंट से मैच होगा, मीन्स नाइन्थ एलिमेंट इंडेक्स का एलिमेंट मैच किससे करा, वन इंडेक्स से। नाइन्थ के केस में क्या है जस्ट एल, और वन इंडेक्स में भी क्या है ऑल्सो एल। मीन्स ये कंपेरिजन अगेन कैसा है, मीन्स ये प्रीवियस टू कैसे, तो फॉल्स। ये दोनों कंपेरिजन कैसे हैं वैलिड, वैलिड है। देन अगेन जे में इंक्रीमेंट होगा, तो जे की वैल्यू क्या हो जाएगी इस केस में टू। देन इसके बाद अभी भी कंडीशन कैसे हैं, सारे कंडीशन फॉल्स। आई प्लस प्लस होगा, तो आई का वैल्यू क्या हो जाएगा इस केस में 10। देन 10th इंडेक्स का एलिमेंट किस इंडेक्स से मैच होगा, सेकंड से। 10 और 2 का मैचिंग कराएंगे दैट वन। तो अगेन ई, ई से मैच हो रहा है, तो फिर से कंडीशन कैसा ट्रू। जे प्लस प्लस होगा, तो जे की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, और 3 किसका इंडेक्स है नल का। तो अगेन इस केस में 3 होने के बाद जब इफ कंडीशन टेस्ट होगा, तो बी ऑफ 3 को लिखो नल, अगेन कंडीशन कम ट्रू। इस क्योंकि फर्स्ट ऑकरेंस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, नेक्स्ट टाइम सेकेंड ऑकरेंस भी कंप्लीट हो चुका है। देन इस केस में जस्ट इफ कंडीशन ट्रू होने की वजह से जस्ट परफॉर्म किया सी प्लस प्लस, सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। देन जे का अगेन वैल्यू का रीसेट हो जाएगा 0। कंट्रोल कहाँ जाएगा, आई प्लस प्लस, आई का वैल्यू क्या हो जाएगा 11, और 11th किसका इंडेक्स है नल का। जैसे इस केस में ए 11 पास करें, ए 11 के प्लेस पर क्या रिप्लेस हो नल, कंडीशन कम फॉल्स। कंट्रोल लूप से बाहर आएगा, रिटर्न क्या हो जाएगा वैल्यू ऑफ सी, और सी का वैल्यू क्या करंटली 2। क्लियर, मीन्स इस केस में जितनी बार एक कंडीशन सेटिस्फाई हुआ एवरी टाइम काउंटर में इंक्रीमेंट हुआ, प्लस एक कंडीशन क्या, इट इज एक्नॉलेजमेंट ऑफ पैटर्न और सब स्ट्रिंग फाउंड इन द ओरिजिनल स्ट्रिंग। क्लियर, जैसे ही ओरिजिनल स्ट्रिंग में सब स्ट्रिंग कंप्लीटली मैच हो जाएगा, देन एवरी टाइम जे के अंदर पास इंडेक्स किसका हुआ नल का, देन एक कंडीशन ट्रू हुआ, देन एवरी टाइम परफॉर्म क्या हुआ सी प्लस प्लस। तो मीन्स इस लॉजिक के थ्रू किसी भी स्ट्रिंग के अंदर सब स्ट्रिंग का ऑकरेंस काउंट करना पॉसिबल है। क्लियर, देन रिक्वायर्ड प्लेस पर आप कॉल क्या करोगे, काउंट फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल यू आर टेस्टिंग इट वॉइड मैन डायरेक्टली प्रिंट एफ, प्रिंट एफ में मैं कॉल कर रहा हूँ फंक्शन नेम एज काउंट। काउंट के केस मैंने सप्लाई किया ओरिजिनल स्ट्रिंग एज ओरेकल स्पेस कॉरपोरेशन, ओरेकल कॉरपोरेशन कॉमा सेकेंड स्ट्रिंग, सेकेंड आर्गुमेंट मैंने पास किया है ओ आर। तो ओ आर के कितने ऑकरेंस है, 1, 2 एंड 3। तो इस केस में रिटर्न वैल्यू क्या होना चाहिए, जस्ट 3। तो इस केस में करेस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या प्रिंट होगा, रिजल्ट एज 3।